हमने भी की है कुछ कोशिशें, होने लगी देखो ये बारिशें, सर पे चढ़ा है ये कैसा असर, तोड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने। मिल गए, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इतना खाएंगे सारे मिलके बाद रोजों के, रखी टेबल पे सज्जी के संग खजूर भी है। ईद का दिन है, गम को छुपाना, सबने मुस्कुराना है, जिनके पास नहीं है पैसे वो भी संगी साथी हैं, ईद का दिन हम सबने मिलकर उनके साथ मनाना है। अरे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त वासे लाखों में एक। मज़ाक रात और दुनिया न्यूज के देखने वालों को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अभी तो मैंने टोपी नहीं पहनी। मैंने समझा, कहने लगे आज तो माशाल्लाह बैंड मास्टर लग रहे हैं। मगर ये वैसे जो आपने शेरवानी जेबतन की हुई, ऐसे कपड़े किसी ने नहीं पहने जैसे मैंने पहने। क्या बात है, बड़े होटल आवाज लाने इसकी जैकेट देखे, कपड़े देखे, अरे पान तो खाते जाओ। आज ईद का खास मौका है जी, तो हमारा मुज़ाकरात भी आज का बहुत खास है। यस, जैसा कि आप सब लोग इंतजार में होंगे, आई एम श्योर हमारे आज के मेहमान भी बहुत खास है, और खास तौर पर ईद के लिए आए हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करने। वाह, हमारे जो आज के मेहमान हैं, इन्होंने अपने करियर का आगाज आज से 17 साल पहले लाहौर के एक थिएटर हॉल से किया, और आज 17 साल बाद जब भी पाकिस्तान में इनकी फिल्म लगती है तो तमाम लोग सिनेमा के थिएटर हॉल्स का रुख करते हैं। क्या बात, पाकिस्तान में भी फिल्म की और अब इंडिया के अंदर ही फिल्में कर रहे हैं। इंडिया के अंदर वाहिद मेल अदाकार हैं जिन्होंने बेस्ट डेब्यू का अवार्ड जीता अपनी पहली फिल्म के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द लास्ट 5 ईयर्स, द वन एंड ओनली एंड द हार्ट थ्रॉप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, फवाद अफजल खान। प्लीज लवली मैन, मेरी जिंदगी की पहली ईद है कि जहां आमने सामने दुकानें खुली हैं, उधर इतर व सेंट की, इधर कूड़े की। ऐसे बेवकूफ बहनो ही होते जो ईद वाले दिन मर के सबकी ईद खराब कर देते। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक ठाक। आखिर आप आ ही गए, बड़ी मुश्किल से वैसे आप पे हाथ डालता है कसम से। सर आप डालते नहीं हाथ? ले, ले ऐसे तो ना कहें आप। वैसे फवाद ये बताएं कि अभी जिस तरह मैंने कहा कि 17-18 इयर्स हो गए आपको स्टार्ट किए, जब आपने पहली दफा एक्टिंग की थी, थिएटर से आपने आगाज किया अपना, और आज यहाँ तक का सफर, ये कैसा रहा है ये जर्नी? अल्लाह का शुक्र है, मतलब अल्लाह की बहुत बहुत मेहरबानी है और लोगों का बहुत प्यार है जिसकी वजह से आज हम हैं जो हैं। शुरू शुरू में तो लगता नहीं था कि कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे जिंदगी में, लेकिन कभी इस तरह शायद सोचा नहीं। हाँ, मायूसी ज़रूर होती है जब आप काम करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि कभी ना कभी हर किसी ना किसी का जो है वक्त आता ज़रूर है, और अल्लाह किसी ना किसी तरह से आपको रिवॉर्ड ज़रूर करता है। शुरू में थिएटर किया, उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक किया, टीवी किया, एक फिल्म की पाकिस्तान में, उसके बाद फिर वापस जो है टेलीविज़न पे जो आया, और आई थिंक पहला एक दो ड्रामा सीरियल थे जो कि चले, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत पसंद किया, एंड ये पाकिस्तानी ऑडियंस ही है जिसकी वजह से जो है बात फैली और
अब अल्लाह का शुक्र है दुनिया में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आप इस टोटल जो आपका करियर रहा है इसके दरमियान में आपने 2-3 बार इस फील्ड को छोड़ दिया था और आप चले गए थे और आप 2-3 बार वापस आए बकायदा छोड़ के। ये जो 2-3 बार आप वापस आते थे ये क्या होता था कि छोड़ जाते थे फिर वापस आ जाते थे? जेब में पैसे कम होते थे तो वापस आ जाते थे। अच्छा, जेब में पैसे कम होते लाइन पे आ जाती थी। असल में इनको किसी ने बताया नहीं था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिक्रमंदी नहीं करनी है, हमारे इलाके का मुअज्जज़ खुसरा है और ये मेरे गुरु हैं। खैर ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है, मैं भट साहब अहमद अली भट्ट जो हैं और वासिफ चौधरी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना ताल्लुक है। हमने काम जो जटन बॉन्ड से जो है इकट्ठे शुरू किया था, तो ये वासिफ चौधरी साहब ही होते थे जिनके साथ बैठ के अपना जो है दिल का रोना रोते थे कि यार ये काम सही नहीं है, हम सही नहीं, मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है। पता नहीं कभी कभार गिला होता था तो छोड़ देते थे या फिर थक जाते थे, फिर ये सोचते थे कि कोई डिग्री कंप्लीट करनी है। मजे का वाकया ये है कि जैन अहमद साहब जब जटन बॉन्ड कर रहे थे डायरेक्ट, तो मैं एक शायद वाहिद बंदा था सेट पे जिसको इतनी छूट मिलती थी कि मैं उन्हीं की गाड़ी पकड़ के वापस कॉलेज जाता था और वापस आके जो है शूटिंग करता था। सुबह को पहुंचा, अगर क्लास खत्म हुई है वैगन पकड़ के गए WZ स्टूडियो और वहाँ पर शूटिंग की है, फिर बोला जैन को कि क्लास जाके अटेंड करनी है। तो जैन ने एक पॉइंट पे कहा, उसने कहा यार या तो तुम पढ़ाई कर सकते हो या फिर तुम एक्टिंग कर सकते हो, तुम चूज कर लो। तो इस तरह की 2-3 दफा जो है क्लैश हुए, उस वक्त शायद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इतनी प्रोफेशन की। मगर एक चीज जो फवाद मुझे अच्छी लगती है इस पूरे किस्से के अंदर, वो ये कि अक्सर लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं और वो यूजली बहुत यंग एज में होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं और वो आए कहते हैं कि जी हमें ये काम करना है, एक्टिंग वगैरह करनी है, और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मगर आपको जब ये चॉइस मिली तो आपने पहले इस काम को छोड़ा था और पढ़ाई कंप्लीट की, एंड देन इवेंचुअली यू केम बैक टू द वर्क। तो ये बड़ा एक, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें मेरे मां-बाप का कमाल है। जिंदगी च एक बार ही फेल होया। अच्छा, मैं मोनीटर की नकल की थी, वही फेल हो गया तो मैं भी होना ही सी। तो अब तो फवाद भाई आप माशाल्लाह स्टेबल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र। तो अब क्या सोचा, बड़े होकर क्या बनेंगे? वैसे कभी सोचा कि अगर ये ना हुआ होता फवाद और आप कैरी ऑन करके होते किसी और लाइन ऑफ वर्क साथ, तो क्या होना था आपने इस वक्त? बल्दिया के चेयरमैन होते। बल्दिया के चेयरमैन पढ़े लिखे हैं तो कोई मतलब ऑफिसर नहीं लगते ना। अभी वेले नहीं फिरते, टीवी लग रहे हो, साबुन भेज दे खुशबू वाला। मगर मैंने खासा तो क्या पसंद आया उस साइड में? सब हमारे हीरो हैं, सुपर क्लास हैं, अल्लाह की रहमत है। इंसान लड़का बंदा वही होता है, उसकी रहमत हो जाती है, ट्रिम ट्रिम हो जाती है। और चाचा जी ये पहले डॉक्टर थे, माशाल्लाह MBBS तो भी ऊपर थे। अच्छा, हॉस्पिटल वाले ने फिर मार के निकाला वहां से। क्यों? सीटी स्कैन मशीन है ना, उसके अंदर सालन गर्म कर रहे यार अंदर जेड़ा बंदा से उन्होंने कहने ध्यान ना बहुता सेक ना लगे। चाचा सारी जिंदगी खचली है, बर्गर खाने गए मेरे साथ। अच्छा। और जो टूटी डब के कैचअप नहीं कटी था, वो डब के हाथ धोने लगे। ये बताएं कि ईद आप कैसे मनाते हैं? आई थिंक ईद का सबसे बड़ा जो मजा है वो ये है कि आप बाहर निकल के लोगों से छुट्टी के दिन वो लोग भी मिल जाते हैं जिनके साथ शायद आपका जो है बहुत अरसे से वक्त ना गुजरा, तो ज्यादातर दिन जो है खाने पीने में और लोगों से मिलने में जो है गुजर जाता है। खाते पीते हैं आप? बहुत ज्यादा, इतना खाता पीता हूँ कि चौधरी साहब आप मुझे रोकते हैं खाने पीने से। मगर वैसे मतलब यूजुअली अब तो बड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ता है ये, वरना सिक्स पैक सेवन तो नहीं बनते। ये कैसे? ये सिंगल पैक ऐसे ही बना है, सिंगल पैक बना हुआ है, सिंगल पैक ऐसे ही बना है खा खा के। माशाल्लाह जैसे भाई जान है, बड़े मासूम से लोग होते हैं। अच्छा, साफ दिल के साफ होते हैं, इनोसेंट। भाई जान मोटरसाइकिल से गिरे, बंदे दौड़े दौड़े पाए ना, सट तो नहीं लगी? कहते नहीं नहीं मैं उतरता ही ऐसे। आपको मजे की बात बताओ, ये जिंदगी में इनकी जो पहली शूटिंग थी और पहला दिन था, ये शूटिंग को बेहोश हो गए थे। क्यों? पहला दिन जब आपने एक्टिंग की थी जटन बॉन्ड में, अगर आपको याद हो तो आप बेहोश हो गए थे, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गई थी। जून जुलाई की गर्मी में शूट हो रहा था, तो पहले दिन ही हमारा हीरो गिर गया। हो जाए तेरा जाहिर खिजाब, हो जाए देख कर खुश्क मिजाजी तेरी, खुश्क लावी जनाब हो जाए, ये ना हो देख कर उसे डीजे, ईद मेरी खराब हो जाए। हाय 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 ना। वाहन साहब को मैं 3-3 दफा जिम लेके गया, सोचे मैं लेके गया तुसी इन्हां दे रिक्शे वाले सो। वेलकम बैक टू मजाक रात।
सर ये बताएं आपके इतने सैकड़ों ये जो फेक पेजेस बने हुए हैं, आप खुद इतने इंटरेक्टिव हैं सोशल मीडिया पे या नहीं? नहीं सर। नहीं ना? नहीं। आप तो कंप्यूटर पढ़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी के इतना करीब रहना चाहिए आपको तो सर, वो इसलिए है क्योंकि जब जिस जमाने में कंप्यूटर की डिग्री बहुत पॉपुलर हो गई थी तो मैं अबू के पास ये फरमाइश लेके गया था, मैंने एनिमेशन करनी है। अच्छा। शौक मुझे ये था कि मैं एनिमेशन में घुस जाऊं, मैं अबू को जाके समझा नहीं पाया कि बात पूरी तरह के, कहते मैंने पूछा कि एनिमेशन, मैंने कहा मैंने एनिमेशन करनी है, तो उन्होंने आगे पूछा कंप्यूटर करना है, तो मैंने हाँ कुछ ऐसी बात है। तो अगले दिनों मेरे पास ले आए, जिस यूनिवर्सिटी में गया उसका प्रोस्पेक्टस, अब मैं खोल के देखो मेरे वालिद साहब भी जो गुस्से के बड़े तेज, मुझको ये नहीं कह सकता कि मैं इस कॉलेज की बात नहीं कर रहा था, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा था, मैंने कहने की कोशिश की तो आगे से झाड़ पड़ गई मुझे, तो उस चीज़ की वजह से क्योंकि कंप्यूटर की डिग्री चल रही थी उस वक्त तो हम उसमें घुस गए। हाँ ये बात ज़रूर है कि मैंने इन्जॉय किया अपने कॉलेज के साथ, पढ़ा, कोशिश की जितना कर सकता था उसमें करने की कोशिश की, बट शायद इंटरेस्ट और जगह पे था तो इसलिए उसके अंदर चले गए, बट अदरवाइज अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, कभी कभार जो है मैं आगे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर लेता हूँ बट मामूल नहीं बनाता इस बात को। फवाद आपके साथ कभी कोई क्रेजी फैन वाला सीन जैसे कहते नहीं हुआ क्योंकि आपकी तो फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है? नहीं अल्लाह का शुक्र है इतनी कोई क्रेजी फैन नहीं है, जो भी मुझे मिला है बहुत प्यार से मिला है, बहुत सलीके से मिला है। आपकी लुक्स में और अब आपने कम बैक सा किया था उसमें आपकी लुक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, आपने बहुत ज्यादा डाइट की हुई थी, इज इट करेक्ट? राइट, इट इज करेक्ट, इट इज व्हाई वाज दैट? शायद मैं अब मोटा सांड रह रहे के मैं तंग आ गया था, सोचा कि थोड़ा सा वेट गिराना चाहिए। नॉट एट ऑल, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है हमें ऐसे लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका आई थिंक काउंटर यही होता है कि आप अपना जितना ख्याल रखेंगे आप उतना खुश रहते हैं। एंड आई हैव प्रैक्टिकली सीन दैट इन माय केस, आप जितना अपना ख्याल रखते हैं सुबह उठ के अपने आप को आईने में देखते हैं आपको अच्छा लगता है कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपका रवैया भी वैसे रहता है दुनिया के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को वेन हो जाना चाहिए, लेकिन हर इंसान को ये चीज एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए कि वो पूरी कोशिश करे कि वो जितना अपने आप लिए अच्छा लग सकता है वो लगे। मैं क्योंकि पर्सनली भी मेरा इस मामले में इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा था कि अब तो ये माशाल्लाह पिछले 3-4 साल में बड़ा रेगुलर अपनी जिम शिम और ये सारा मामला भी रखते हैं, और कह रहे थे मगर मैंने वो जमाने भी देखे हैं जब फवाद खान साहब को मैं 3-3 दफा जिम लेके गया, सोचे मैं लेके गया और ये 2 दफा भाग जाया करते थे, तो ये ना तो रिक्शे वाले से पकड़ा हुआ है फोन जो जदीद मुबारक और उसकी तुम्हें कीमतें खरीद मुबारक, तुमने किया है बिजली का जो शमसी इंतजाम उसकी तो दोस्त तुमको हो शदीद मुबारक, अपना तो हो न पाया नया सूट इस्त्री, तुम जिससे मिलो उससे कहो ईद मुबारक, ईद फड़ आ लड़की ब्यूटी फुल कर गई चोला। वेलकम बैक टू मजाक रात। सर ये बताएं अभी रिसेंटली आपके साथ बहुत से टैग्स अटैच हो चुके हुए हैं कि पता नहीं एशियास दिस मैन, एशियास फला मैन और सब कॉन्टिनेंट्स दिस मैन, तो ये कैसा फील होता है वैसे? ये खासतौर पे अमानुल्लाह साहब ने मुझे कहा था कि सवाल आपने पूछना है कि जो आपको पूरी दुनिया में लोग कह रहे हो कि ये दुनिया का 7वां हसीन तरीन आदमी है, एशिया का 8वां हॉट तरीन आदमी है, तो ये कैसी फीलिंग आती है? मेरा ऐसे नाम ले रहे हैं मुझे इतनी समझ ही नहीं है। मगर खान साहब बताएं क्या आप एग्री करेंगे इस रिसर्च से? सुपर क्लास है जी हमारा, अल्लाह ताला से नजरे बद से बचाए, हमारा फखर है, कहीं घोड़ा चला रहा होता है कहीं मैं आ रहा हूँ गाड़ी चला रहा होता है, हाँ। हो जाए ना सीन होता है खिड़की खोल गया आकू डाकू हो और अंकल जैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में आते हैं लालटन हाथ से फड़िए राधा बेटिया दरवाजा बंद कर लो तूफान आने वाला है। आप बताएं फवाद को कैसा फील होता है ये जो इतने टैग्स लग जाते हैं? अच्छा ही लगता है सर, मैं लेकिन खुशकिस्मत ही है, लेकिन मैं अपने आप को इतना हसीनो जमील नहीं समझता, दुनिया समझती है तो ठीक है यार चल रहा है, अच्छी बात है तारीफ कर रहे हैं। फवाद ट्रांजिशन कैसा रहा है? आपने पाकिस्तान में पहली फिल्म की,
और पता नहीं मुझे लगता है कई बार लोग उस चीज को स्किप कर जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको एक्चुअली कुछ मसला ये भी है कि कुछ और लोगों की आड़ में फायरिंग होती है जब, तो आप भी उसकी जद में आए थे कि आप पाकिस्तान में फिल्म क्यों नहीं करते। पीपल डोंट रियलाइज कि आपने पहली फिल्म ही आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में कर दी। जो एक आध चीज ऑफर हुई थी शुरू में, इरादा था करने का, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वहां पे कमिटमेंट कर चुके हुए थे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो हम दो प्रोजेक्ट्स अगले साल जो है पाकिस्तान में ही कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म आप, और इंशाल्लाह उसका पहली का तो एक स्पेल मुमकिन है कि इसी साल में शुरू हो जाएगा। अच्छा, बट दो पाकिस्तानी फिल्म है जिनका पक्का इरादा है, बाकी अगर प्रोड्यूसर ऑफर करेंगे तो कर ले। जी, इंडिया जाते हैं हमारे एक्टर्स और हीरो खासतौर पर जब जाते हैं, तो जिस तरह अली जफर गए तो वो भी गाना गाते थे और एक्टिंग भी की, आप भी गाना गाते थे और एक्टिंग, तो ये प्री रिक्विजिट है कि अगर ये दोनों में से एक काम ना आते हो तो आपको हीरो नहीं लेंगे वो लोग? अली की तो खैर बात ये है कि मैं अली का पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ और हमेशा अप्रिशिएट किया, आप हम दोनों को पता है इस बात का कि बड़ा ऑलराउंडर पैकेज है, एक लड़का खूबसूरत भी है, गाता भी अच्छा है, डांस भी करता है, इज अ फुल फ्लेज पैकेज मेरे हिसाब से। मैं तो बस गाना जो है लोग मेरे साथ टैग अटैच हो गया, नाचना आता नहीं है, बस थोड़ी सी अदाकारी करनी आती है और उसकी बलबोते पे। तो अब ज्यादातर हमारे नौजवानों को नहीं पता इस बात का, लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े टैलेंट गुजरे हैं, मानल्ला साहब खुद है जिनको इंडिया में अप्रिशिएट किया जाता है, लोग उनका काम देखते हैं, उनसे इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं, उमर शरीफ साहब से होकर कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है सर, क्या बात है, फख्र हमारे भाई से। मैं यहाँ से जिधर से सारे ही आ रहे हैं। किसी ने बुलाया? बाकी जड़े आए उन्होंने को बुलाऊंगा। बात सुनिए, मेरे ख्याल से आपका जो सिंगिंग तरीका है, जो तरीके कार स्टाइल, वो हमारे आज के प्रोग्राम से कुछ जेल नहीं करेगा। हमारे मेहमान देखे बड़े मशहूर आदमी है, ये हीरो है हमारे, माशाल्लाह पाकिस्तान के हीरो, मेरे गाने इन पर भी पिक्चराइज हुए। आपका कौन सा गाना? ब्यूटीफुल के अलावा कुछ करिए। अर्ज किया है, हे दुनिया क्या तुझसे कहे, लड़की नहीं डालनी बीच में, लड़की नहीं डालनी, नहीं ते हुन जड़ी आई है कितने भेजा फिर? मतलब आप अपना गाना कह रहे हो, गाना खराब क्यों कर रहे हैं? मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लड़की ब्यूटी फुल करके चल, लड़की ब्यूटी फुल करके चल, राम दंडन रवि नटंडन पूरा मंडन। कोई फरमाइश पूरी कर दें। जी जी भैया आप बताएं, आप हमारे हीरो हैं। मेरी फिल्म के जो आपने गाने गाए हैं वही उनमें से कोई एक सुना दे, जो आपके जो इन पे पिक्चराइज हुआ आपका गाना सुनाए। मैं इतने गाने गाए मुझे याद नहीं रहता कौन कौन से है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चले हाँ पूरा सुनाना, इसमें कोई चुलबुल नहीं डालनी। ठीक है चल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लड़की ब्यूटीफुल करके चल, लड़की नहीं। अच्छा चले कोई सुरीला गाना सुनाए। बोले बाबू मेरा गाना चला दे, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। ये तो हुआ ना फिर। अच्छा सर, मेहदी हसन साहब का वो गाना जो मेहदी साहब ने खुद भी गाया और बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्या बात, बहुत बड़े फनकार थे मेहदी हसन साहब, उनका ये गाना पेश कर रहा हूँ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश ही सही, फिर से वो
रंजिश ही فلوار صاحب پتہ نہیں کیا کر کے گئے ہیں اب آپ اگر آپ کی یار اپنی سنیلی آواز میں کوئی میری فلم کا گانا سنا دیں کون سا بہت اچھا گاتے ہیں محسن تھینک یو سو مچ اداکاری بھی بہت بہترین کرتے ہیں بولنا اگر آپ سنا دیں تو مزہ آ جائے گا تیرے لیے آیا میں تو تیرے سنگ جانا ڈھولنا میں تیرے نال جندڑی بتانا کبھی نہیں توڑ छूटे या न छूटे मुझसे रंग तेरा ढोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना सबसे पहले मियां अफजल और निर्दोली बनाने वाले तमाम कर्म फरमाओं को آپ کو بھی دوبارہ چودھری صاحب تو میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جب عید آتی تھی پرانے زمانوں میں تو ناکت ناکا دے ناکا ناکت ناکا دے ناکا اب کیا ہوا اس بار میرا بڑا ظلم ہوا جی کیوں آپ پرانی ایس پی صاحب انہوں نے میں نے وہ ایس ڈی لا دیتا وہ کیوں نو اباؤٹ ڈی او ایس ڈی نو او ایس ڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے آفیسر آف سپیشل ڈیوٹی 300 واری میں کیا تھا میں نے یاد ہویا بڑا مشکل لفظ ہی لیکن ڈیوٹی بڑی زبردست لگ گئی کتنے وہ اپنا فلم سٹارٹ نہیں اپنا فواد خان ہاں فلم سٹارٹ بتائیں بتائیں آگے نہیں فلم فلم سٹارٹ تو نہیں ہوں گا آگے 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 اور میری ڈیوٹی لگ گئی او ایس ڈی یعنی سپیشل ڈیوٹی بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے نہ آپ کھاندا نہ میں کھان دیندا آپ فواد خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہاں بالکل بالکل ویلا کوئی کام کار نہیں بٹ ڈرائنگ روم وچ بیٹھا جھوٹے لوگ آ رہے فلماں تے فلماں سائن کرائی جا رہے میں مل دے نہ آ کے میں نو آ کے کہندے نے بھی فلم سائن کرانی ہے او میں نے کہا وہ میں نہیں ہوں وہ دوسرے ہیں آپ کہنا چاہ رہے کہ آپ کو وہ فواد خان سمجھنا چاہیے مجھے سمجھ رہے تھے کیونکہ دیکھو نا جی آنکھیں بھی خوبصورت آنکھ بھی ستواں فیس کٹ فیس دے کٹ فیچر میچر تے کان بھی ماشاء اللہ میرے فلم سٹار آ لے لوگ مجھ سے متاثر بڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا چوکس بندہ جو ہو اس کو سارے کھینچنے کی کوشش بھائی سب سے چوکس افسر کون ہے کون ہے می می ہائے 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 آپ فارغ کیوں ہوئے ہیں پھر وہاں سے کتوں ان کے ساتھ ڈیوٹی سے او اصل میں نا جی زیادہ فلمیں میں نے سائن کر لی تھی تو ان کو مجھ پہ غصہ آیا انہوں نے پھر میرے ڈی ایس پی صاحب کو شکایت کی پروفیشنل جیلسی ہاں آپ سے انسیکیور ہو گئے وہ انسیکیور ہو گئے بھائی جان پروفیشنل جیلسی نہیں ہوتی حیرت ہو رہی ہونی بہت زیادہ ہاں میں نے نہیں ہوئی کیوں کیونکہ میں آپ فلم سے ٹاٹ ہوں میرے خیال سے ان سے پوچھ لیتے کہ کیا وہ انسیکیور ہوئے تھے نہیں فواد بھائی کو ان سے او ماشاء اللہ یہ کون ہے فواد خان اچھا میں پشتو فلموں والے فواد خان کی بات کر رہا ہوں ارباز خان ارباز خان او خو وہ ارباز خان ہے اچھا 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 میرے ذہن میں میں نے کیا کہا ہے فواد خان فواد خان کون ہے یہ ہے اے کون ہے اچھا اچھا لو دسو وہ جڑے انڈیا چ بھی فلم کر کے جی ہاں میں وہ نہیں
क्या मतलब मैं वो नहीं असल मैं मैंने इनकी फिल्में देखी हैं अच्छा ओए 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 कितने देखो नहीं रैप्टे मारूंगा मैं तुझे एक मिनट ठहरो देखो देखो ओहो ये नहीं तो ये कौन तो ये कौन से और ये वो वाले हैं जिन्होंने इंडिया में भी फिल्म की है अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये वो वाले हैं अच्छा एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मैं इनके साथ एक ईद की जरा जफी डालू थैंक यू सर अस्सलाम वालेकुम सर आई एम योर फैन सर अरे मेरे वाले जफी जी आ पहली जफी ईद नहीं तीन जफियां होंगी ना जी आ मेरे वाले जी अपना सोनम कपूर वालों जी میں مشہور آدمی کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ تنگ بہت کرتے ہیں 2020 نہیں نہیں میں بالکل خاموش بیٹھوں گا آپ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو خاموش بیٹھنا خاموش جی بالکل چپ سن لیا نا بھائی جان سر میں بھی چپ کون ہیں مائرا خان سنم سعید امائمہ ملک عائشہ خان سنم بلوچ یا ایمان علی سنم بلوچ سنم بلوچ ٹھیک فیورٹ انڈین ایکٹریس آپ کی کون ہیں سونم کپور کترینا کیف کرینا کپور آلیا بھٹ یا پھر دیپیکا پادوکون او میری انہوں نے جب ملاقات ہوئی تو میں ضرور تو اندر سنگا سر آپ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا آئی ول ڈیسائیڈ لیٹر سر یا تینو سمجھ نہیں او گلیریاں نال سیلفی لیا وہ اس کا ہوتا ہے سر تو ہو از دا فیورٹ انڈین ایکٹریس مار پڑوائیں گے آپ لیکن سونم کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرا ہے تو آئی تھنک سونم کپور ٹھیک ہے میرے لیے پوچھے تو دیپیکا کا پیڈو کون کوئی ہیروئن نہیں ہے کرکٹ کھیلنے لگے تھے بنی دی پیڈو کون سر یہ بتائیں نئی پاکستانی ایکٹریسز میں کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے جی مہوش حیات سہائے عائزہ خان مابرا حسین یا عروہ حسین بہت خوبصورت 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 خواتین کا آپ نے نام لیا لیکن میں سے ایک نام آپ چھوڑ گئے وہ کون ہنا دل پذیر او آپ دل پذیر کے ساتھ ہیرو آنا چاہیں گے بالکل آنا چاہوں گا میں صحیح بتا رہا ہوں لکھ لو جیسے لکھ لو آپ نخرے دکھانے والے ہیں ناز اٹھانے والے ناز اٹھانے والا اسی کے تو سارے پیسے ملتے ہیں یہ بتائیں ان سینئر اداکاروں میں سے آپ کی فیورٹ کون ہیں بشرا انصاری سمینہ پیرزادہ عتیقہ اوڈو یا پھر صبا حمید سب کے لیے دل میں بہت احترام ہے لیکن عتیقہ اوڈو جی کے ساتھ بہت ٹائم جو ہے کام کیا ان میں سے کس خاتون نفسی تو کام لے رہے ہو نہیں سمجھتا یہ انگریزی کے کہتے ہیں جی کسر نفسی کم ضرب وہ تو تسی ہو نا لفظ سمجھ آتی ہے نہیں انگریزی چیز نو کے کہتے ہیں کسر نفسی کو او کتے یا اللہ میں پڑھا پاس گیا یہ بتائیں ان میں سے کس خاتون پولیٹیشن کے ساتھ ہیرو آنا پسند کریں گے شیری مزاری فردوس عاشق کبان یا شیری رحمان جیدہ تو سونو بڑا ہے آج کل کے دور میں سب سے بہترین کامیڈین کس کو سمجھتے ہیں احمد علی بٹ یاسر یا پھر دانش نواز بولو کیا نہ بولو بولو احمد علی بٹ سر احمد علی یہ بتائیے یہ لوگ ایکٹر نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا احمد بٹ باورچی فہد مصطفیٰ گریاں ویچن والا اچھا تو تھوڑے منہ انجے جی دیش کی چھٹے وجے ہوندے کاٹا منہ انجے غریب آدمی نے اپنے سستے ہم نو کٹیا ہوندا ہی کر اے پڑھے لکھے بندے ریلوے اسٹیشن تے مانگ رہے ہوندے نے آئی ایم ہنگری آئی ایم گوئنگ کراچی ٹو برگر ون بڑی مہربانی Thank you.
रास्ता है तेरी दीद का खौफ, जैसे तनख्वाह के बाद सो जाए बतीद का खौफ। वो ये कहती है चली जाऊंगी मैं के एक दिन, मुझको रहता है इसी बात की तरदीद का खौफ। खौफ बीवी का मेरे सर पे है सवार ऐसे, जैसे गुर्बत में घिरे घर के लिए ईद का खौफ। लल के बोलो आ सरकार, सोनम कपूर दा नंबर। से प्यार मोहब्बत करने वालों को दिल से ईद मुबारक कहते हैं। जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए हैं। बच्चे यार, अगर जिहड़ा सेंटर च बंदा बैठा है इहदा बाबा कलर ब्राइट कर देवे, इहदे नैन नक्श तिखे कर देवे, इह तेनूं खूबसूरत लगन लग पवे, वाला दा इहदे चीर कढ देवे, इहनूं हीरो बना दे ते मन्ने जोगी आ तेरा ही कमाल है। खरके दिखा हे चटबन चौड़ चपन चटबन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ हे दगड़ 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 हीरो बने तो कुड़ियां फवाद खान के पिछे सेल्फियां लैन लई पागल होई जांदियां। शान है पाकिस्तान की, आन है आप, नाम है पाकिस्तान का। वो जड़ी तुसा साबण वाली मशहूरी की थी वो वाकई सही है यार। डरदे लोग इन साबण लाते नहीं क्यों के फवाद खान ने लभ लेना। पूछ लेते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, अब आप बताएं। बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? अच्छी लग रही है। सरकार, सोनम कपूर दा नंबर। डबल वन डबल टू ले दो। देखती आंखों सुनते कानों के सामने जो भी सांप निकालने जा रहे हैं। बच्चे आ, इंडिया तो हो के आए ने, सपा को लो कोई डर शरते नहीं लगता। सबसे क्यों डर लगना है ए चटपन चौ चपन जड़पन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ ए दगड़ दा दगड़ दा दगड़ दा कर दिन तक खरियां बोतलां सुचियां बोतलां आ हे कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिल के सब रहण रहण विच शलजम को ना आ छब निकले नहीं ऐला फिर गुलाब निकले बच्चे। एक आप गुलाब है और एक ये गुलाब है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों की कोई कीमत नहीं। थैंक यू सर, बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज बैठो। क्यों कहना सी पजामा पूरा ही सी देंदा। फैशन है। वाह वाह वाह, फैशन अच्छा है। सब तैयार हुए मैं बाबा जी, आप क्यों नहीं तैयार हो? ईद का दिन है। हाय जो पाकिस्तानी आवाम, ईद होवे शबरात होवे आवाम दा है यार। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सांवला हुआ बाबला, क्यूट लगे तू जैसे चूही चावला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या बला, कुछ भी कहा नहीं जाए, जब नाचे तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंटन, गोली जल गई दाए, नखरे बलैती ईगो में रहती, नखरे बलैती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हील कर दे लैंडेड सारी कुड़िया देसी चिड़िया, ओए सारी कुड़िया देसी चिड़िया, क्लब की तू बुलबुल, ओ लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई, रंग सांवला हुआ बाबला, क्यूट लगे तू जैसे चूही जा।
मुला बोलती बंद मेरी कहू क्या मला लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल। खुशियां ही खुशियां मजे ही मजे ऐ जड़े अफसोस ते आए बीती जाए जिंदगानी का बुलाए कि तू चलिया आ तू चलिया।